मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार आज होगा, 3 बजे होगा, उनके पैतृक गांव सैफई में होगा। और अभी अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को लेकर के आया गया है। पैतृक गांव सैफई में ही नेताजी का अंतिम संस्कार होगा। 3 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश में 3 दिन, बिहार में 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तमाम नेता, तमाम मंत्री अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने पिता को खोया है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है राजनीति से ऊपर उठ करके तमाम नेता एकजुट हों और परिवार का ढांढस बांधे। तो वही तस्वीर भी सामने आ रही है और यही अलग बनाता है भारत को। तो सैफई के मेला ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए नेताजी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। सुबह से ही हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लोगों से, समर्थकों से, नेताजी के चाहने वालों से बातचीत करवा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ नेताजी को विदाई तो दी जा रही है, लेकिन नम आंखें हैं, बहुत कुछ कह रही हैं। इसी के साथ साथ हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैफई के लिए 11:30 बजे तकरीबन रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 11 बजे दिल्ली स्थित सरकारी आवास से निकलेंगे सैफई। तमाम बड़े मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हो, सीएम भूपेश बघेल हो, ममता बनर्जी हो, तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो रहे हैं। बहुत दुखद घड़ी है ये और सभी के प्रिय नेता अब हमारे बीच में नहीं रहे। और ये उपलब्धि हासिल करी है मुलायम सिंह यादव ने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर नेताजी किसी को कहा जाने लगा तो वो मुलायम सिंह यादव को कहा जाने लगा। और निश्चित तौर पर उनमें कोई बात थी जो उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, राजनाथ सिंह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, ममता बनर्जी अंतिम संस्कार में शामिल होंगी, उनके अलावा सीएम अशोक गहलोत और भूपेश बघेल उनके अंतिम दर्शन में शामिल होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच बीच में जो भी अपडेट आएगी और जो भी तस्वीरें आएंगी वो हम आपको दिखाएंगे। नेताजी के पार्थिव शरीर को मेला ग्राउंड लेकर के जाया जा रहा है, फिर वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। अगर आप मेला ग्राउंड पर नज़र डालेंगे, क्योंकि सुबह से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, दूर दूर तक बेशक समर्थकों के बैठने की भी जगह नहीं है, लेकिन दूर दूर तक लोग पहुंचे हुए हैं। कल से लेकर के आज तक जो भी तस्वीर आ रही है नेताजी से जुड़ी हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं। कल मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, उसके बाद नेताजी के पार्थिव शरीर को मेदांता से सैफई लेकर के आया गया। उस काफिले के साथ न्यूज़ वन इंडिया की टीम रही और अखिलेश यादव से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अब ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंच से। इसी मंच पर नेताजी के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। रामगोपाल यादव सुबह से ही तमाम तैयारियों को देख रहे हैं। रामगोपाल यादव के राजनीतिक सफर को बनाने में नेताजी का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने चंद्रशेखर तक का साथ छोड़ दिया था और इसी के साथ साथ रामगोपाल यादव को आगे किया था। जब उन पर परिवारवाद के आरोप लगे तो मुलायम सिंह यादव ने वो भी आरोप स्वीकारे और कहा कि जिसे जब मौका मिले उस मौके से चूकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत से मंच पर उन्होंने ये भी कहा कि इस पार्टी को मैंने अकेले खड़ा किया है, उस वक्त पर खड़ा किया है अकेले जब मेरे साथ कोई नहीं था, तो अब पार्टी को मजबूत बनाए रखना आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी हमारा परिवार हैं और अगर परिवार मिलकर के चलेगा, एकजुट होकर के चलेगा तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। हालांकि पारिवारिक कलह देखने को जरूर मिली जो कि राजनीतिक सफर में भी आई। ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुबह से तमाम तस्वीरें हमारे साथ दिखा रहे हैं ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर। ब्रिजेश जी, अभी क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं? बिल्कुल, तो ये थे रामगोपाल यादव जी जो अपने तरीके से नेताजी को याद कर रहे हैं। रामगोपाल यादव जी उनके लिए अपने आप में एक
एक विशेष आघात है नेताजी का जाना, क्योंकि क्योंकि देखा जाए तो परिवार की जिंदगी को बनाने वाले नेताजी थे, समाजवाद की नई परिभाषा करने वाले नेताजी थे। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि दरअसल वो एक अपने आप में पॉलिटिक्स की एक नर्सरी थे, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, समाजवाद को नए सिरे से उन्होंने गढ़ा और नए सिरे से बताया। तो ये नेताजी को रामगोपाल यादव ने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी और उन्होंने उनके किए गए कामों को लेकर के उनको याद किया है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, सैफई। तो ब्रिजेश जी लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि नेताजी के साथ कैसे संबंध, क्या सीखा नेताजी से, नेताजी के साथ क्या दिलचस्प किस्से हैं जो आज के दिन में याद आते हैं, वो तमाम किस्से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। रामगोपाल यादव से अभी हम बात कर रहे थे, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले हम रामगोपाल यादव का जिक्र भी कर रहे थे कि कैसे रामगोपाल यादव का राजनीतिक करियर बनाने में नेताजी का अहम योगदान था, और इसलिए रामगोपाल यादव का विशेष लगाव भी है नेताजी के साथ। उन्हीं की प्रतिक्रिया ब्रिजेश श्रीवास्तव ले रहे थे। ब्रिजेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, अभी आप रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया ले रहे थे, कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव के राजनीतिक करियर को बनाने वाले भी नेताजी थे, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण यादें होंगी, बहुत कुछ होगा याद करने के लिए आज के दिन। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम लोग पहले भी लगातार जिक्र कर रहे थे कि केवल जो है नेताजी ने केवल समाजवादी पार्टी को ही नहीं उठाया, बल्कि पूरे परिवार को एक नई पहचान दी। और खास करके रामगोपाल यादव जी से जब आज हम बात कर रहे थे तो वो बेहद ही दुखी थे, क्योंकि सबसे बड़े उन्हें मालूम है कि उन्होंने उन्होंने क्या खोया है। मुझे याद है वो लगातार जो है चर्चाएं, और चंद्रशेखर से विरोध लेकर के भी रामगोपाल यादव को पहली बार राज्यसभा पहुंचाने वाले नेताजी थे। नेताजी लड़ गए थे, उन्होंने कहा था, चंद्रशेखर चाहते थे कि मोहन सिंह जो है वो राज्यसभा पहुंचाया जाए, लेकिन नेताजी ने रामगोपाल यादव को राज्यसभा पहुंचाया। तो ये नेताजी की अपनी शख्सियत थी कि वो जो तय कर लेते थे वो तय कर लेते थे, उसको लेकर के फिर उसमें किसी भी तरीके का कोई भी जो है वो बदलाव बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ये अपनी उनकी उनकी शख्सियत का हिस्सा था, और इसीलिए आज रह करके लोग उनको याद कर रहे हैं, आज अपने अपने तरीके से नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब से बस कुछ पलों के अंदर ही नेताजी की जो अंतिम यात्रा है वो जो है मेला ग्राउंड पहुंचने वाली है, यहाँ पर उन्हें अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, जो है यहाँ पर वो तमाम मौजूद हस्तियां उनको आकर के आखिरी विदाई देंगी, जो है अश्रुपूरित विदाई देंगी जो है, और उसके लिए बाकायदा यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं, क्योंकि घर से उनका पार्थिव शरीर निकल चुका है, ऐसे में किसी भी वक्त यहाँ मंच पर पहुंच सकता है, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ बहुत से किस्से याद आ रहे हैं ब्रिजेश जी। एक वक्त की बात है जब मुलायम सिंह यादव मंच पर मौजूद थे और 2017 में 47 सीटें विधानसभा में आई थी समाजवादी पार्टी की, तो सीधा बोलते थे मुलायम सिंह यादव कि ये सब हुआ किसकी वजह से, जनता की वजह से हुआ, तो कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करते थे, वो जो बोलते थे सीधा बोलते थे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती थी कि कोई दूसरी पार्टी क्या सोचेगी, उसे कितना मुद्दा बनाएगी, कितना विरोध करेगी। उनके लिए तो एक चीज मायने रखती थी कि वो जो उन्हें सही लगता था, जो उन्हें अपने लोगों के हित में लगता था, जो उन्हें लगता था कि जनता की बेहतरी के लिए है, वो फैसले लेते थे और उन फैसलों को वो आगे बढ़ाते थे। और यही बेलाग बेबाक पूरी तरीके से बिंदास मुलायम को आज लोग याद कर रहे हैं, उन मुलायम सिंह यादव को लोग याद कर रहे हैं जिन्होंने कड़े और बड़े फैसले लेते समय कभी भी रोका नहीं और कभी भी रुके नहीं। वो तमाम फैसलों के बाद, तमाम उन फैसलों को जिनको विवादों के फैसले भी कहे जाते हैं, लेकिन उन विवादों के फैसलों के बावजूद जो है नेताजी ने अपनी जो है इमेज को, अपने फैसलों को बरकरार रखा, और आखिरकार अब वो वक्त आया है जब वो अपने आखिरी सफर पर चल पड़े हैं। अब नेताजी तो ना तो किसी को डांटने के लिए मौजूद रहेंगे, ना किसी को जो है एक टोकने के लिए रहेंगे, लेकिन हाँ नेताजी यहाँ लोगों की यादों में हमेशा जीवित जरूर रहेंगे। आप ये नारे सुन रहे हैं, ये नारेबाजी जो आपको सुनाई दे रही है, दरअसल ये नारेबाजी ये बता रही है कि किस तरीके से क्या कीमत है नेताजी के, और क्या नेताजी ने अपने 55 साल के सियासी करियर में कमाया है। तो ये अपने आप में बेहद अहम है।
बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रिजेश जी, अभी कितनी देर में पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा मंच तक, क्योंकि जो समर्थक है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कभी अगर उनके रहते हुए वो नहीं मिल पाए तो आज अंतिम दर्शन जरूर हो जाएं। देखिए, मुझे लगता है कि अब बस कुछ पलों का इंतजार है, कुछ पलों के अंदर ही जो है यहाँ पर जो है पहुंचने वाले हैं, जो अंतिम यात्रा है वो कुछ पलों के अंदर ही पहुंचने वाली है, और उसके बाद जो है उसके बाद अंतिम दर्शनों के लिए उनको यहाँ रखा जाएगा, और उसके बाद फिर 3 बजे उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको जो है ले जाया जाएगा। तो ये अपने आप में बेहद अहम है, और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ इसी तरीके से जो है अलग अलग लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके किए गए कामों को याद कर रहे हैं। ये अपनी उनकी शख्सियत है जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा, शायद ही नेताजी को जो है नेताजी के किए गए कामों को, उनके फैसलों को कोई भुला पाएगा।